हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। यहाँ पे हम e4 के बारे में बात कर रहे हैं, विनिंग विथ e4। तो e4 के सामने हमारे इस सीरीज में ये मेरा फिफ्थ वीडियो है, और जो फिफ्थ वीडियो है वो e4 c6 d4 मतलब कैरोकान डिफेंस के बारे में है। कैरोकान डिफेंस में हमने लास्ट टाइम साइड लाइन देखी थी e4 c6 और d6, मतलब e4 c6 देन d4 और ब्लैक खेल रहा है d6। इसके बारे में आपको देखना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए पूरा। आज मैं दिखाऊंगा आपको, पहले देखेंगे e4 c6 और यहाँ पे d4 के बाद ब्लैक प्ले g6। यहाँ क्या करना है मैं बताऊंगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जिसमें मेन लाइन बिना वर्क की है। तो e4 c6 d4 g6 के बाद आपको खेलना है नाइट c3। नाइट सी के बाद ब्लैक खेल रहा है d6। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि पर्क डिफेंस या किंग्स इंडियन डिफेंस से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आपको खेलना है f4, जैसे कि किंग्स इंडियन में हम 4 पॉन अटैक कर रहे हैं, तो वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ दोहराना है। f4 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप g7, और यहाँ आपको खेलना है नाइट f3, बिशप g4 पिनिंग, यहाँ पे आपको खेलना है बिशप e3 और d5। ये ब्लैक ब्रेक लेने का ट्राई करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको e5 करके खेलना है। तो ये स्ट्रक्चर व्हाइट की फेवर में रहेगा, हालांकि स्लाइट इक्वल है, लेकिन स्लाइट बेटर फॉर 0.04 व्हाइट। व्हाइट थोड़ा सा आगे है इसमें। चलिए अब देखते हैं मेन लाइन कैरोकान डिफेंस में। चैप्टर नंबर 3 जो है नाइट c3 और डी क्रॉस e4, e4 c6 d4, और यहाँ पे मेन लाइन जो होती है d5। ये कैरोकान प्लेयर की मेन मूव्स होती है, ज़्यादातर यही मूव होंगी। मैंने जो पहले दो वीडियो में बताया वो रेयर केस में कोई प्लेयर खेलता है, तो हमें ऐसे खेलना है इसीलिए आपको दिखाया है। लेकिन ज़्यादातर आपको यही ध्यान रखना है कि e4 c6 d4 d5 ये तो कन्फर्म ही रहेगी। यहाँ आपको रिप्लाई देना है नाइट c3, इसे कहते हैं विनेवर वेरिएशन। ब्लैक रिप्लाई देता है डी टेक्स e4, और यहाँ आपको कैप्चर करना है नाइट टेक्स e4। ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट f6, और यहाँ पे आपको खेलना है नाइट टेक्स f6। नाइट f6 के बाद जी क्रॉस f6, ये बेस्ट चॉइस होती है। एक ट्रैप है इसमें, एक ग्रैंड मास्टर ने खेला था नाइट g5, उससे पहले नाइट d7 किया था ब्लैक ने, और यहाँ पे नाइट g5 h6। हाँ, यहाँ पे व्हाइट ने रिप्लाई दिया था नाइट g5 h6, और यहाँ पे नाइट सेक्रीफाइस किया था। अगर पॉन टेक्स नाइट करते हैं तो क्वीन चेक मेट आता है, और क्वीन पे अटैक है। ब्लैक ने रिप्लाई दिया था क्वीन चेक बिशप d2, और यहाँ पे फोर्स मूव है क्वीन b6। उसके बाद व्हाइट ने रिप्लाई दिया था बिशप d3। ब्लैक ने सोचा कि अब मैं नाइट मार सकता हूँ क्योंकि किंग यहाँ से मूव हो जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट नाइट किया था। व्हाइट ने रिप्लाई दिया था क्वीन चेक आफ्टर किंग d8, और यहाँ पे बिशप a5 फोर्स विन द क्वीन। तो ये एक ट्रैप थी दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोग अगर ट्रैप में आते हैं तो कैसे आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बताऊंगा ये ट्रैप e4 c6 d4 d5। हाँ, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट c3। व्हाइट रिप्लाई देता है पॉन टेक्स पॉन नाइट टेक्स पॉन, उसके बाद नाइट d7। नाइट d7 में आप ये खेल सकते हो नाइट g5। अगर ब्लैक ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मतलब h6 कर दिया, तो ये आप ट्राई कर सकते हो नाइट e6, और यहाँ से व्हाइट टू प्लेन विन है, कंफर्म विनिंग है, क्योंकि ब्लैक के पास कोई रिप्लाई ही नहीं है। ना तो नाइट मार सकता है और क्वीन भी बचानी है, तो क्वीन चेक ही बेस्ट ऑप्शन होता है, जहाँ पे बिशप d2 के बाद क्वीन b6 ओनली ऑप्शन रहता है। और यहाँ आप बिशप d3 करोगे, और अगर ब्लैक ने यहाँ पे नाइट ले लिया तो फिर यहाँ पे कुछ ही मूव्स में आप विनिंग हो जाओगे। ये ट्रैप काफ़ी मज़ेदार है और मैं कई बार गेम में ट्राई करता हूँ ये, अगर किसी ने 97 की अर्ली मिस्टेक की हो। बेसिक रूल है नाइट f6, यहाँ पे आपको टेक्स कर देना है नाइट इंटू f6।
जीन टू एफ सिक्स ये बेस्ट कॉमन मूव है। दूसरा है, अच्छा जी इंटू एफ सिक्स में आपको यहां पे खेलना है सी थ्री, बिशप एफ फाइव, यहां पे ब्लैक की पैटर्न होती है बिशप एफ फाइव, यहां आपको खेलना होगा नाइट एफ थ्री, रुक जी एट, यहां पे ब्लैक इस साइड अटैक का ट्राई करता है आपका बिशप बार नहीं हो जाए, क्वीन डी फाइव, यहां पे आप बिशप डी थ्री, बिशप टेक्स क्वीन टेक्स, काउंटर अटैक में h7 का पॉन ले सकते हो अटैक के लिए, लेकिन ये सजेशन मैं नहीं दूंगा आपको क्योंकि यहाँ पे g2 पे रुक आता थोड़ा डेंजर होता है, और अगर बिशप d3 करते हो तो यहाँ पे ब्लैक को स्लाइट एडवांटेज है आपका, यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक स्लाइट एडवांटेज, तो बेस्ट चॉइस आपको यहाँ पे g3 देन भी g2 और कैसल ये भी कर सकते हो। ओके यहाँ पे अगर ब्लैक ने ई टेक्स नाइट मारा जैसे कि, तो इन टू एफ सिक्स में आपको यहाँ भी सी थ्री करना है, पॉन चेन बना देनी है बढ़िया सी, और उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप एफ फाइव, नाइट ई टू, बिशप डी सिक्स, ये सारे पीसेस डेवलप, नाइट जी थ्री, बिशप पे प्रेशर दो, बिशप जी सिक्स ये बेस्ट चॉइस है, और यहाँ पे आपको खेलना है बिशप सी फोर, ब्लैक लेग कैसल, आप भी यहाँ पे कैसल कर लो, आफ्टर बिशप टेक जी थ्री, एच क्रॉस जी थ्री, ये पोजीशन काफ़ी बेटर है, इक्वालिटी है यहाँ पे, देखो कैरो कान अगेंस्ट आप कितने मूव्स के बाद भी स्लाइट एडवांटेज में हो, और पैर ऑफ बिशप का फायदा आपको मिलेगा, आपके पास पैर ऑफ बिशप है, अगर बिशप डी थ्री मतलब बिशप डी सिक्स या बिशप एफ फाइव के बदले थोड़ा सा चेंजिंग दिखाता हूँ यहाँ पे, सी थ्री के बाद बिशप एफ फाइव नहीं खेलते हम, पहले अगर ब्लैक ने बिशप डी सिक्स किया तो यहाँ पे पहले आप बिशप डी थ्री कर दो ताकि बिशप एफ फाइव आने की जगह नहीं मिले, तो बी डी थ्री के बाद ब्लैक यहाँ पे करेगा शॉर्ट कैसल, यहाँ आपको खेलना है क्वीन सी टू, अटैक ऑन एच सेवन, ब्लैक रिप्लाई देगा रुक ई एट और सिंपल नाइट ई टू, देन कैसल, देन बिशप टेक्स एच सेवन की थ्रेट, इसी थ्रेट के साथ आप खेलोगे, वीकनेस भी होती रहेगी ब्लैक में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर थ्री। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कैरो कान डिफेंस के बारे में बहुत कुछ सीख गए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा ई फोर डी सिक्स देन डी फोर, डी सिक्स यानी पर्क, तो ई फोर सी सिक्स तो आपने देख लिया, ई फोर डी सिक्स यहाँ भी आपको खेलना है डी फोर, और ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट डी सेवन, ये बेस्ट चॉइस होती है, स्लाइट एडवांटेज वाइट को फिर भी मिलता है, बी डी सेवन ये अच्छी मूव नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बी डी सेवन के बाद वाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, ब्लैक रिप्लाई देगा ए सिक्स, और यहाँ पे नाइट एफ थ्री, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट सी सिक्स, और यहाँ आप कैसल करके बिशप डी थ्री या बिशप बी टू कैसल, बहुत ही बढ़िया चॉइस खेल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर डी सिक्स के बाद लोग नाइट डी सेवन ज़्यादा पसंद करते हैं, नाइट डी सेवन में भी आपको रिप्लाई देना है नाइट एफ थ्री। अब ब्लैक के पास यहाँ से दो चॉइस है, एक चॉइस है सी सिक्स और दूसरा चॉइस है जी सिक्स, जैसे कि सी सिक्स पहले देखते हैं, सी सिक्स में आपको खेलना है बिशप सी फोर, एन जी एफ सिक्स, ब्लैक रिप्लाई देगा यहाँ पे, और यहाँ आपको खेलना है ई फाइव और नाइट डी फाइव, ये बेस्ट चॉइस होती है, मान लो कि पॉन टेक्स पॉन किया तो वाइट के लिए बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज है, आफ्टर पॉन टेक्स पॉन ब्लैक कैन नॉट टेक योर पॉन बिकॉज ऑफ बिशप एफ सेवन,
बहुत ही बड़ी थ्रेट है। तो यहाँ बेस्ट चॉइस होता है e5 के बाद नाइट d5। नाइट d5 में आपको खेलना है e6 जबरदस्त मूव, f क्रॉस e6, ये ओनली चॉइस है। और यहाँ पे एक वेटिंग मूव कैसल। आप सोचोगे नाइट g5 अर्ली क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं कैसल के बाद क्या होता है। ब्लैक रिप्लाई देगा g6, क्योंकि बिशप डेवलप कहाँ से करेगा। यहाँ पे आपको खेलना है नाइट g5 और यहाँ ब्लैक के पास एक ही चॉइस है e5। e5 के बाद नाइट e6, क्वीन और बिशप पे फॉर्क। तो क्वीन के लिए बेस्ट चॉइस है क्वीन f5, बिशप d2, qb6 ओनली ऑप्शन और एक वेटिंग मूव एन6। सारे पोजीशन बनानी है दोस्तों। यहाँ से नाइट f5 की थ्रेट है हमारे पास। अगर नाइट एक्सचेंज नहीं किया तो नाइट f5 और क्वीन ट्रैप होने के कगार पे। दूसरी आपके पास चॉइस है क्वीन f3 देन क्वीन f7, मतलब यहाँ पे एक्सरे अटैक। क्वीन को डिकोय करके नाइट को मार के नाइट c7 की भी थ्रेट है। बहुत सारी थ्रेट के साथ इस गेम में आप खेलोगे। चलिए बी चॉइस दिखाता हूँ। दूसरी चॉइस जो है c6 के बदले यहाँ पे पहले से ही g6, पहले से g6 करता है तो भी आपका मूव तो सेम ही रहेगा बिशप c4, क्योंकि f7 पे टारगेट जो करना है। ब्लैक का बेस्ट चॉइस होता है e6 और आपका नाइट g5 यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको करना है शॉर्ट कैसल। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप g7 कैसलिंग की तैयारी। re1 सेंटर पे अटैक, नाइट e7 फिर से कैसलिंग के लिए ट्राई किया है। यहाँ पे c3 करके एक सिंपल और यहाँ पे ब्लैक करेगा कैसल। कैसल के बाद एक वेटिंग मूव है बिशप b3 ताकि नाइट b6 टेम्पो के साथ उसे मूव नहीं मिले। ब्लैक रिप्लाई देगा b6 क्योंकि लाइट स्क्वायर बिशप अब यहीं से डेवलप होगा। तो यहाँ पे आपको खेलना है नाइट bd2, बिशप b7 और नाइट f1। अब ये पोजीशन से दो नाइट और दो बिशप के मदद से आप काफ़ी बढ़िया अटैक कर सकते हैं। इक्वल गेम दिखा रहे हैं ग्राफ में, 0.1 मतलब स्लाइट एडवांटेज वाइट को है। हर एक गेम में वाइट को स्लाइट एडवांटेज इसलिए इंजिन बता रहा है क्योंकि वाइट फर्स्ट मूव करता है ओपनिंग में। तो दोस्तों ये थी कैरोकान डिफेंस और उसके बाद पर्क डिफेंस d6 वाली लाइन। नेक्स्ट वीडियो में और भी वेरिएशन देखेंगे इसी लाइन में, e4 d6 d4 nf6 वाली लाइन में बताऊंगा। ये थी हमने e4 d6 d4 nd7। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे ये देख लो खास। e4 d6 d4 यहाँ पे देखा हमने nd7 bd7, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लैक की सेकंड चॉइस जो है वो नाइट f6, ये थोड़ा सा किंग्स इंडियन डिफेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगले वीडियो में मिस मत कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि लगातार आपको बैक टू बैक पूरी सीरीज मिलती रहेगी। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।